सभी को नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज मैं ये गुलदावरी के जो फूल हैं, मदर प्लांट है इनका, इनका कटिंग लगाने जा रही हूँ। वैसे तो जुलाई अगस्त में जो लगाएंगे ये फ्लावर जल्दी देंगे, और फिर अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे, ये थोड़ा लेट में फ्लावर देंगे। ये अलग अलग कलर के हैं, ये दूसरे कलर का है और ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। इसके लिए मेरे पास ऐसे लगाने का गमला नहीं था, तो ये हमारा एक ऐसे ही फालतू पड़ा स्टैंड था, ऐसा ही पुराना वाला। इसको यहाँ से कटिंग करके और इसके ऊपर मैंने पन्नी बिछा दिया। ऐसा पन्नी बिछाने के बाद कैंची से ये पानी को ड्रेन करने के लिए मैंने ये होल कर दिया कैंची से ऐसे अंदर, ताकि जो पानी इसमें रुके नहीं। ऐसे सब जगह होल कर दिया। उसके बाद मैं इसमें मिट्टी भरूंगी। मिट्टी नॉर्मल है, इसमें मैंने खाद नहीं मिलाया अभी, ऐसी नॉर्मल मिट्टी में लगाएंगे इसको। थोड़ा सा ऊपर मैंने ये रेत को छिड़का दिया, ज़्यादा नहीं था। पूरा रेत में लगाती तो बहुत अच्छा होता, पानी का इसमें दिक्कत नहीं होती रेत में। और एक इसको भी बना रखा मैंने ऐसे ही, इसमें भी थोड़ा मिट्टी डाल देंगे। इस वाले और इस वाले में मैंने मिट्टी भर दिया, और एक इस गमले में भी भर दिया मिट्टी मैंने। और पहले मैं इसको लगाऊंगी, और ये पीला कलर है, और आपको तो मुझे नहीं पता इसका कलर, पता ही इसको ऐसे करके। जो एलोवेरा है ये रूट हार्मोन्स का काम करता है, इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो रूट्स हैं जल्दी निकल जाते हैं। जो इसके पत्ते हैं सब निकाल देंगे इधर, पत्ते को नहीं रखेंगे, खाली ऐसा ऊपर रखेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद ये लगा देंगे एलोवेरा। इसमें मैंने खाली पीला कलर का लगाया, और इतने मैंने इसको बचा दिया। इसको मैं सितंबर या अक्टूबर में लगाऊंगी, ये फिर बाद में फ्लावर देंगे। और इनके अब इसमें लगाने जा रही हूँ, ये दूसरा कलर है, ये है बड़े वाले गुलदावरी। कलर का तो मुझे नहीं पता, ये पत्ते सब निकाल देंगे इनका, ताकि जो ऊपर से ग्रोथ हो उनका अच्छे से हो। इसमें मैंने ये इतने से इधर अलग कलर लगा रखा, और इतने से अलग कलर। ये जो है फूल का कलर जो पता चल जाता है ये पत्ते से, पत्तों का जो ये कटिंग होता है ये अलग अलग किस्म के होते हैं, जो ये अलग कलर के होते हैं। ये अलग कलर का है, इसका कटिंग ऐसा है, ये अलग कलर का है, इसका कटिंग ऐसा है। और जो ये अलग पीला वाला है ये अलग, इनके कटिंग से पता चल जाता है फूलों का कलर अलग अलग होता है ना, इसी से। इसमें लगाऊंगी इस वाली गुलदावरी को, ऊपर ऊपर का काट देंगे ऐसे। इसमें भी मैंने पूरा लगा दिया, इसमें भी मैंने तीन कलर के लगा रखे। ये यहाँ से अलग कलर है और ये अलग है, ये बीच में थोड़ा पीला लगा दिया मैंने। ये गुलदावरी के पौधे इतने अच्छे होते हैं, एक बार लाओ ये 12 मास चलते हैं। ये इसको तो इनको तो हमारा खूब साल हो गया। ये मदर प्लांट जो है इनको बचा के रखना पड़ता है, मदर प्लांट को, और तभी इनका जो है कटिंग लगेगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। उस दिन इनको थोड़ा छाया में ही रोक दूंगी मैं, ताकि इन पे थोड़ा जो धूप है वो इन पे डायरेक्ट नहीं लगे।
जब तक इनका नया कली नहीं आएगा तब तक इनको शेड में रख दूंगी। आप लोगों के पास भी होगा अपना जो गुलदावरी का बचा हुआ मदर प्लांट बोलते हैं इसको, इसका कटिंग आप लोग जरूर लगाइएगा। अभी लगाएंगे तो ये फिर जनवरी में फूल देने लगेंगे, जो हम अक्टूबर में लगाएंगे वो देंगे फरवरी या मार्च तक फूल देंगे। और आप लोगों को कैसा लगा ये जो मैंने गुलदावरी का कटिंग लगाया, आप लोग भी ज़रूर लगाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद और सबको नमस्ते।